हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मोनो एंटरटेनमेंट और मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ शोरा से 855 एफई मॉडल का जो क्राउन है, उस क्राउन का जो बाउल पिन है वो कैसे फिटिंग करना है। ये देखिए, ये बाउल पिन हम पूरा सेट कंप्लीट सेट शोरास का जेन्युइन पार्ट्स है। इसका प्राइस भी मैंने दिखा दिया। यही देखिए, ये जो पैकेट है यही पैकेट है, पूरा सेट आती है। और देखिए, ये जो उसका वॉशर है, उसका वॉशर का भी प्राइस देखिए 2 पीस रहता है। सौराष 855 एफ मॉडल का जो क्राउन कैसे खुलने हैं, उसको बाउल पिनियम, उसका वीडियो आइकन में मिल जाएगा। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो भी देख सकते हैं। अभी देखिए, जो वॉशर है ये पहले बैठाना है। बाद में देखिए, एक बाउल पिनियम का बड़ा वाला पिनियम बैठाना है। उसके बाद ये देखिए, इसके अंदर जितना भी पिनियम है, चारों पिनियम और सर सब लगा के एक साथ बिछा देना है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और देखिए, ये तो अभी बैठा दिया है मैंने। देखिए, ऊपर एक बड़ा वाला पिनियम है, एक बड़ा वाला पिनियम ऊपर लग लेना है। बाद में देखिए, वॉशर लगा लेना है। लगा के ये देखिए, जो कवर है जस्ट बिठा देना है। अभी जितना भी बोल्ट है, बोल्ट लगा के पूरा घुमा के देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, एग्जाम हुआ ना फ्री हुआ, अच्छे से देखना पड़ेगा। SCDI 550 मॉडल का जो गियरबॉक्स का पिनियम कैसे खोलना है और कैसे लगाना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख सकते हैं आप लोग। अभी देखिए, जितना भी बोल्ट है, बोल्ट तो मैंने सब टाइट कर दिया है। ये लगा के थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये घूम रहा है नहीं घूम रहा है। देखिए, ये तो पूरा फ्री हो गया। अंदर देखिए, छोटा सा एक बियरिंग रहता है, बियरिंग लगा लेना है। बियरिंग के जो कोन है, दोनों साइड लगा लेना है। पहले ये साइड बिठा दिया और ये साइड भी बिठा रहा हूँ मैं, ये देखिए।
अभी देखिए ये जो ब्रेक का जो प्लेट है वह प्लेट लगाना है। ब्रेक का जो प्लेट है दोनों साइड लगा लेना है, लगा के बोल्ट 2 या 4 पीस बोल्ट टाइट करना है। टाइट करके और देखना पड़ेगा वो जो क्राउन है ना, वो क्राउन फ्री हुआ ना जाम हुआ। वो देखिए मैंने फ्री कर दिया, थोड़ा जाम हुआ था। सिम है ना अंदर, सिम थोड़ा कम तेज़ ज़्यादा करना पड़ेगा फिर फ्री हो जाएगा। अभी देखिए तो मैंने प्रॉपरली बराबर लगा दिया है। ये देखिए बड़ा वाला जो पिनियम है, बड़ा वाला चक्का का, वो दोनों लगा दिया मैंने। नहीं दिखाया वीडियो में, इतना ज़्यादा लंबी हो जाती है ना वीडियो। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक जो है, पुराना वाला ही हाइड्रोलिक है, पुराना हाइड्रोलिक है, वो तो डाल रहा हूँ मैं। डाल के देखिए इसका जो ऊपर गैसकेट है, हाइड्रोलिक का जो कवर का गैसकेट है ना, ये गैसकेट भी मैंने नया लेके आया था। अब हाइड्रोलिक बॉक्स उठा देना, इसे गरीब प्रॉपर हो जाएगा। हाइड्रोलिक बॉक्स तो मैंने उठा दिया, इसका जितना भी बोल्ट है बोल्ट टाइट करनी है, और थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम है, ये वीडियो में दिखाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इतना ही करके बना रहा हूँ वीडियो।